नमस्कार, मैं अमित वांद्रे। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। अब देखते हैं नागपुर की कुछ अहम खबरें। आंध्र प्रदेश से कार में 92 किलो गांजा लेकर दिल्ली जा रहे एक तस्कर को बेलतरोड़ी पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी का नाम शिवशंकर यल्पा इसमपल्ली जिला वारंगर आंध्र प्रदेश निवासी बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बेलतरोड़ी के वरिष्ठ थानेदार विजय आकोत सहयोगियों के साथ शनिवार की रात में गश्त कर रहे थे। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस दस्ते ने वर्धा रोड पर CICRI गेट के सामने कार DL4CAD 3665 को रुकने का इशारा किया। पुलिस दस्ते को देखते ही कार चालक विचलित हो गया। पुलिस ने कार के रुकने पर चालक को बाहर निकाला। कार चालक से पूछताछ करने पर टालमटोल जवाब देने लगा। कार के डिक्की से तलाशी लेने पर प्लास्टिक की 4 बोरी में 92 किलो गांजा मिला। पुलिस दस्ते ने कार चालक शिवशंकर को बेलतरोड़ी थाने लाकर कड़ी पूछताछ की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि गांजे की यह खेप हैदराबाद से दिल्ली लेकर जा रहा था। आरोपी के खिलाफ बेलतरोड़ी थाने में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर दिलीप झलके, उपायुक्त अक्षय शिंदे, सहायक पुलिस आयुक्त नीलेश पालवे के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। 14 मार्च की घटना है। हमें खबर मिली थी कि एक गाड़ी से हैदराबाद से दिल्ली की तरफ एक अमली पदार्थ जा रहे है, उसके ऊपर से हमने ट्रैप किया और वर्धा रोड पे एक गाड़ी पकड़ा, उसमें से 91 किलो गांजा जब्त किया है। वो करीबन 13 लाख का है और वो गाड़ी 5 लाख की है, ऐसा 18 लाख का माल जब्त किया है। उसका जो ड्राइवर था वो शिवशंकर इसमपल्ली या हैदराबाद का रहने वाला है, उसको भी अरेस्ट किया है। ये बाय जॉब टीचर था, उसका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से मैंने ये कदम उठाया है। नहीं, इसका अभी तपास चल रहा है, तपास के बाद ही बताया जाएगा कि ये कब से काम कर रहा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। नागपुर जिले में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मरीज भी सिर्फ अस्पताल पर निर्भर है। अस्पताल की कुछ समस्याओं से मरीज को परेशानी हो रही है। रविवार को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल के कोविड वार्ड में रविवार सुबह से बिजली गुल रही। मरीज गर्मी से परेशान होते रहे। मरीज और उसके परिजनों को शिकायत भी की, लेकिन शाम तक इस पर कुछ हल नहीं निकल पाया। जानकारी के अनुसार मेडिकल अस्पताल में पहले फ्लोर पर सुबह 9 बजे बिजली गुल हो गई। इस मंजिल पर कोविड मरीज भर्ती है। यहाँ पर वार्ड 12 में करीब 28 कोविड संक्रमित मरीज भर्ती है, जिसमें तहसील पुलिस के कर्मचारी भी शामिल है। मार्च की शुरुआत से ही उपराजधानी में गर्मी की शुरुआत हो गई है। ऐसे में बिजली गुल होने के कारण यहाँ पर पूरे दिन मरीज परेशान रहे। मरीज और उनके परिजनों ने वहाँ मौजूद स्टाफ को भी इसकी शिकायत की, लेकिन देर शाम तक इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि सामान्य स्थिति के मरीज होने के कारण किसी को गंभीर परेशानी नहीं हुई, तो वही मेडिकल के दूसरे वार्ड में इलेक्ट्रिक का काम शुरू था, इस कारण बिजली आपूर्ति बंद की गई थी। इसमें इमरजेंसी बिजली आपूर्ति जारी थी, साथ ही अन्य वार्ड में जनरेटर शुरू की थी। सिर्फ वार्ड 12 में जनरेटर की सुविधा नहीं थी, इसलिए मरीजों को परेशान होना पड़ा। इसके बाद फिर से बिजली आपूर्ति शुरू की गई, ऐसा डॉक्टर अविनाश गावंडे, चिकित्सा अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल, इन्होंने कहा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। नागपुर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक बार फिर टिकट दलालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। इसके तहत पर्सनल यूजर आईडी पर टिकट बनाकर उसे 100 से 200 रुपए कमीशन वसूलने वाले अवैध टिकट दलाल के खिलाफ कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम निमखेड़ा निवासी आशीष महादुले बताया गया। उसके पास से 73,219 रुपए की 44 टिकटें जब्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ सीआईपी के पीआई सुधीर मिश्रा और नागपुर स्टेशन थाना इंचार्ज PIRL मीना के मार्गदर्शन में API मनोज धायगुड़े, आर के यादव, मनोज काकड़, आनंद करवाड़े, अनिस खान और रितेश ठमके ने निमखेड़ा स्थित लक्ष्मी मोबाइल शॉपी पर छापेमारी की। दुकान में आशीष ही बैठा था। आरपीएफ टीम ने आशीष से ट्रेन बुकिंग की बात पूछी तो पहले तो उसने बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर बाद सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि वह टूर पैकेज, मनी ट्रांसफर, एयर टिकट बुकिंग, बस बुकिंग, रेल ई टिकट बुकिंग का कार्य करता है।
रेल आरक्षण ई टिकटों के बारे में पूछताछ करने पर 11 पर्सनल यूजर आईडी की जानकारी दी। उसने स्वीकार किया कि वह ICTC की वेबसाइट पर खुद की बनाई गई पर्सनल यूजर आईडी से रेल आरक्षण ई टिकट बुक करता है। इसके लिए वह यात्री से 100 से 200 रुपए का कमीशन भी वसूलता है। ई टिकट वाले को पकड़ा गया है जो 100 से 200 रुपए का कमीशन लेता था। सर, क्या जानकारी, इसके बाद से क्या मुद्देमाल जमा हुआ है? दिनांक 12/3/2021 को नीमखेड़ा में एक मोबाइल शॉपिंग दुकान पे एक व्यक्ति नाम आशीष दशरथ महादुले रेलवे ही टिकटों का अवैध व्यापार करता है, जिसके पास से 44 नग ई टिकट और एक लैपटॉप एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। सर, ये पहले से यही काम धंधा करता है, इसके ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई थी क्या? नहीं, इसके ऊपर पहली बार कार्रवाई हुई है। ये मोबाइल की दुकान चलाता है, उसी बीच में ये रेलवे टिकटों का भी उसी समय उसके साथ व्यापार करता है, जिसके पास रेलवे का कोई लाइसेंस नहीं है। इसके ऊपर रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्रवाई की गई है और इसके ऊपर सर्विलेंस रखा जाएगा। अगर फिर से इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ फिर से कार्रवाई की जाएगी। वैसे उसके खिलाफ़ अभी केस रजिस्टर करके उसको कोर्ट तक पहुँचाया गया है। इसमें सर कितने आरोपी थे? अभी एक आरोपी मिला उसमें, मामले की जांच जारी है अभी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीरेंद्र खोबरागड़े, नागपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।